ये फोर्थ नी एक्सरसाइज है। इसमें नी इस तरह का कपड़े का या टॉवल का किसी चीज का भी आप रोल बना सकते हैं जो नीज के बिल्कुल नीचे रखना है, और ये दोनों। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आंचल। आई वर्क एज अ पेन फिजिशियन एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली। सो दिस इज़ आर थर्ड पेन सीरीज। हम लोग आज बात करेंगे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको, क्या एक्सरसाइजेस हैं और क्या सपोर्ट्स हैं हमारे नी के लिए जो हमें नी आर्थराइटिस के प्रोग्रेस से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिकॉशंस की। तो सबसे पहले अगर आपको नी पेन जस्ट स्टार्ट हुआ है होना, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि ये चीज़ें प्रोग्रेस ना हो। सबसे पहले सीढ़ियाँ उतरना, आप ट्राई कीजिए कि सीढ़ियाँ, क्योंकि उसमें नी बेंडिंग होती है तो सीढ़ियाँ चढ़ना फिर भी ठीक है, लेकिन उतरने में थोड़ा सा नी को इंजरी, वियर एंड टियर होता है। फिर ज़मीन पर स्क्वाटिंग, ज़मीन पर जिसे चौकड़ी मार के बैठना कहते हैं, पालती मार कर बैठना कहते हैं, उस तरह से ज़मीन पर मत बैठिए। आप कुर्सी का इस्तेमाल कीजिए। और फिर जो इंडियन टॉयलेट है उसे यूज़ करने के लिए हमें स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना पड़ता है, तो वो अवॉइड कीजिए। बिकॉज़ अगर अर्ली स्टार्ट है नी पेन का, तो इस चीज़ों को अवॉइड करने से यूजली नी पेन का फिर प्रोग्रेशन नहीं होता। फिर अगली चीज़ है एक्टिव लाइफस्टाइल। जो हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो हम सिर्फ बैठे रहते हैं और ज़्यादा बैठने से जंक फूड खाना, इस तरह की सिडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करके हमें एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। अब सिर्फ एक्टिव लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज तो है ही है, पर दूसरी चीज़ है कि जैसे हम अपने घर पहुंचते हैं, अपने घर के काम खुद करना, बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो मेल है या फीमेल है, किचन में बराबर काम करना, तो इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहना रादर देन बैठकर हम टीवी देख रहे हैं। तो जो एक्टिव लाइफस्टाइल है वो हमारे बॉडी में मसल को स्ट्रेंथन रखता है। फिर अगली चीज़ है मसल स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अगर हम शुरुआत से ही अपने लाइफ का इस चीज़ को हिस्सा बना लेते हैं कि हमें रोज़ एक्सरसाइज कुछ ना कुछ छोटी मोटी 10 मिनट 15 मिनट की एक्सरसाइज हमें रोज़ करनी ही करनी है, तो इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स टोन्ड अप रहती हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हमारी बॉडी हेल्दी शेप में रहती है। जिससे कि अगर हम कभी कभार स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों, तो जिन स्पोर्ट्स इंजरी की मैंने बात की, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इंजरीज, वो नहीं होती। फिर अगर नी पेन हो गया है तो फिर भी चलना, खड़े होना हमारी जॉब तो है ही है, तो कैसे हम, क्या कुछ ऐसे सपोर्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो इन्हीं सपोर्ट्स की मैं बात करूँगी। जैसे नी कैप आप पहनते हैं, तो अगर वो नी कैप और सपोर्ट आपके इंडिविजुअलाइज्ड हो, आपकी नी के साइज़ के हिसाब से बनाया जाए, तो वो हमेशा ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि नी कैप का, नी सपोर्ट का काम क्या है, बेसिकली वो ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर का वेट भी शेयर कर ले, ताकि नी के ऊपर उतना जोर ना पड़े। मैं आपसे कुछ सपोर्ट शेयर करूँगी। जैसे कि ये सपोर्ट आप देख रहे हैं, तो ये जो सपोर्ट है ये नी के आसपास ऐसे बन जाता है, और ये पर्टिकुलर साइज़ देखकर ही बनाया जाता है। तो ये अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में इस तरह का जो सपोर्ट है वो बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जोड़ है, जो नी को एक तरह से काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करके रखता है। फिर दूसरी चीज़ है इसमें ये इस तरह का जो हायर लेवल ऑफ जो मॉडरेट से सेवियर आर्थराइटिस है उसमें हेल्प करता है। ये देखने में काफ़ी बड़ा वो लग रहा है, लेकिन ये पहनने में बहुत ही आसान होता है। और जो इसके जो जॉइंट्स हैं, ये इस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं कि आपके नी के ऊपर जोर ना पड़े। और जिन मरीज़ों ने ये यूज़ किया है, जिनको हमने ये सजेस्ट किया है, वो बताते हैं हमें इन्हें पहनते ही तुरंत नी में आराम मिलता है, क्योंकि जो नी के ऊपर जोर पड़ रहा था वो कम हो जाता है, वो ये शेयर कर लेता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन जो आपकी नी को आराम दे सके। आप इतनी दवाइयाँ आज तक खा चुके होते हैं, इतनी बार फिजियोथेरेपी के सेशन ले चुके होते हैं, और ये चीज़ को आपके साथ काफ़ी सालों तक रहना है, जब तक आपकी नी में स्ट्रेंथनिंग नहीं हो जाती, तो ये आई थिंक मैं ये अपने मरीजों से भी यही बोलती हूँ कि ये चीज़ वर्थ होती है।
फिर हम अब कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे जो आपकी एडक्टर मसल्स हैं, जो क्वाड्रिसेप्स हैं, वो उनकी स्ट्रेंथनिंग करेगी। तो मसल स्ट्रेंथन है तो नी के ऊपर जोर कम पड़ता है। नी की फर्स्ट एक्सरसाइज है लेग बेंडिंग एक्सरसाइज। इसको करने के लिए लेग को 90 डिग्री तक मोड़ना है आपने और फिर नीचे लेके आना है। तो सेकेंड टाइम करेंगे, लेग को ऊपर लेके जाना है, वहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड करना है और फिर वापस नीचे लेके आना है। नाउ थर्ड टाइम 1, 2, 3, 4, 5 और फिर नीचे लेके आना है। एंड देन फोर्थ टाइम अगेन 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन डाउन। एंड देन फिफ्थ टाइम 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन डाउन। एंड देन हम लोग चेंज करेंगे दूसरी लेग के पास, उसमें भी सिमिलर 90 डिग्री तक लेग को मूव करना है और फिर नीचे लेके आना है। सेकेंड टाइम 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन डाउन। एंड देन थर्ड टाइम थोड़ा सा उधर होल्ड करना है एंड देन कम बैक। एंड देन फोर्थ टाइम होल्ड एंड देन कम बैक। एंड देन फिफ्थ टाइम होल्ड एंड देन कम बैक। ऐसे ही 5-5 बार दोनों तरफ रिपीट करना है। देन सेकेंड एक्सरसाइज इज हील रेज। आपको दोनों पैरों को इकट्ठे ऐसे रेज करना है, अपने टोज के ऊपर आना है, कुछ देर होल्ड करना है एंड देन यू हैव टू कम बैक। देन अगेन सेकेंड टाइम रेज होल्ड एंड देन कम बैक। एंड देन थर्ड टाइम 3 होल्ड एंड देन कम बैक। एंड देन फोर्थ टाइम होल्ड कम बैक। देन फिफ्थ टाइम रेज होल्ड एंड कम बैक। ऐसे आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स करना है। दिस एक्सरसाइज इज इन सिटिंग पोजिशन लेग रेज। तो एक लेग को रेज करना है 90 डिग्री तक एंड देन कम बैक 2, 3 देन 4 देन 5। अगर आप चाहते हैं तो उसको क्विकली भी कर सकते हैं। देन अनदर लेग 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। इसको आप बढ़ाते बढ़ाते एटलीस्ट 20-30 टाइम्स दोनों तरफ। ये फोर्थ नी एक्सरसाइज है। इसमें नी इस तरह का कपड़े का या टॉवल का किसी चीज़ का भी आप रोल बना सकते हैं जो नीज के बिल्कुल नीचे रखना है और ये दोनों नीज के बराबर इक्वल होना चाहिए। तो आपने ये एक्सरसाइज में इस तरह से नी को प्रेस करना है बेड के ऊपर जैसे इस टॉवल को आप पुश कर रहे हैं। तो करो इस टॉवल को पुश करो 1, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, देन 5 रिलैक्स। इस तरह के 10 रेपिटेशन देने हैं। इस एक्सरसाइज में दोनों नीज की एक्सरसाइज साथ में हो रही है। ये फिफ्थ एक्सरसाइज है। इसमें हमने क्या करना है, अपनी लेग को फोल्ड करना है और हाथों को थाई के पीछे रखना है। ये ध्यान रखना है सर ऊपर नहीं उठना चाहिए, सर फ्लैट होना चाहिए ताकि ऊपर वाला एरिया रिलैक्स्ड रहे। तो इस तरह से पकड़ के लेग को ऊपर लेके जाना है जितना कंफर्टेबली आप ले जा सकते हैं। तो अगर आप पूरा 90 डिग्री तक ले जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन जितना 30, 45, 60 जितना तक ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेके जाएं एंड देन बैक टू 90 डिग्रीज। 1 दोबारा ऊपर लेके जाओ, 2 कम बैक टू स्ट्रेट, यहाँ तक आपको वापस आना है। देन 3 वापस आए, 4 नीचे एंड देन 5 नीचे। इसी तरह हम दूसरे नी में करेंगे। इसको स्ट्रेट अपना नेक को फ्लैट रखना है। नेक यूजली लोगों का टेंडेंसी होता है ऊपर लेके आने का, तो इसी तरह से दूसरे नी में 1 ऊपर लेके जाएं देन कम बैक, 2 ऊपर लेके जाओ एंड देन कम बैक, 3 कम बैक एंड देन 4 देन बैक एंड देन 5 एंड देन बैक। इस एक्सरसाइज स्ट्रेटन द लेग, इस एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में 5 टाइम्स ही करना है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी इसको आप 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स भी कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही एडक्टर कैनाल और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग होगी। एंड देन फिफ्थ एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है,
कि सिंगल लेग रेज बोलते हैं इसको। इसमें क्या करना है कि इनहेल करते हुए सांस अंदर खींचते हुए इस लेग को ऊपर लेके जाना है, नीज को सीधा रखना है, हमने नीज को सीधा रखते हुए ऊपर लेके जाना है इसको, और ये फुट ऊपर की तरफ फेस की तरफ आएगा। तो सांस लेते हुए उसको ऊपर लेके जाइए, यहाँ तक रखिए, एंड देन सांस छोड़ते हुए इसको नीचे लेके आइए। इसी तरह दूसरे लेग के साथ सांस लेते हुए घुटना सीधा रखते हुए इसको ऊपर लेके आइए। अगर ये आप फेस की तरफ नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, इसको नीचे भी रख सकते हैं, पर अगर अगर थोड़ा सा ऐसे रखेंगे तो चैलेंजिंग होगा और मसल स्ट्रेंथनिंग ज्यादा होगी। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एज वी गो अप, इनहेल एज वी गो अप, एंड देन एक्सहेल एज यू गो डाउन। इसी तरह से इस लेग में, तो ऐसे आपको फाइव टाइम्स एंड देन एट एट एंड देन टेन एंड टेन, जितना आप कर सकते हैं ऐसे धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ाना है।